पापा उधर पता नहीं क्या निरीक्षण कर रहे हैं खेतों का, कि बारिश कैसी है खेतों के लिए भी। मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो शिवशंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदा बना रहे। हमारे गुजरात में अभी चालू नहीं हुए सावन, हमारे 15 दिन के बाद में स्टार्ट होते हैं। तो आज आए हैं हम खेत में, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं यहाँ, क्योंकि बारिश हमारे 3-4 दिन से लगातार यहाँ हो रही थी। रास्तों में काफ़ी पानी भरा हुआ था और आज थोड़ी थमी है बारिश। तो ये देखिए कितनी हरियाली है यहाँ, कितना सुंदर लग रहा है पूरा नज़ारा। ये यहाँ पे ये तिल है इधर की साइड में, उधर उड़द लग चुके हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं अभी देखने के, मतलब देखते तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम चारों तरफ हरियाली है, ये देख सकते हैं आप। और ये उधर कटिंग कर रहे हैं अभी, और इनके पास चलते हैं अभी। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो आप, ये चमला फली के क्यों काट दिए? ये पूरे चमला फली के इन्होंने काट दिए क्योंकि इसमें आ नहीं रही थी अभी, और आ तो रही है पर मतलब ये इधर की साइड में भी है, ये रहे ना, ये लग रही है अभी। ये इसलिए कटिंग कर रहे हैं क्योंकि पहले जब सर्दियों में लगा रखी थी हमने, सर्दियों के बाद ये इतनी फैल चुकी है, पूरे खेत में हो चुकी है। ये उधर की साइड ये देखिए पूरी लाइन से इधर भी है, और ये इधर भी लगाई हुई पूरी, और इधर के एरिया में भी है चारों तरफ। तो काफ़ी हमने इसमें से सब्जी वगैरह हमारे अच्छी निकल गई चवला फली। तो कैसा लग रहा है आज? आज मौसम कल से बहुत बढ़िया है। कल तो बारिश में लाए थे ना, कल तो पूरे बारिश में कटाई करनी पड़ी मेरे को, पूरे बारिश में कटिंग करी थी। अच्छा मैं नहीं आई, मैं आती तो मैं भीग जाती थी। और धूप भी नहीं है। हाँ, दो दिनों से तो काम करने में बहुत मजा आता है। मजा तो आएगा ना, धूप रहती इसलिए काम करने में कम मजा आता है। अंदर इनको ये चारा लाना पड़ा आज, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि धूप निकल रही, मुझे गर्मी लगने लगी है। आपको नहीं लग रही क्या गर्मी? नहीं, गर्मी हमको तो नहीं लगती। हम किसान का काम ही है, भैंस का प्योर दूध पीना है, दही खाना है, घी खाना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो सही बात है, उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है हमें। किसान की किस्मत में ही काम लिखा है, क्या करें, करना पड़ेगा ना। हमारे किसान की किस्मत में यही काम करना ही लिखा हुआ है। चलते पापा से पूछते, पूरी जानकारी लेते हैं आज नक्षत्र के बारे में, कि जो बारिश का पानी है वो कौन सा अच्छा रहता है और कौन सा नहीं रहता है, और कब कब चेंज होता है वो। ऐसे तो जो बारिश होती है वो अच्छी ही रहती है, पर साल भर में मतलब साल भर के पूरे 27 नक्षत्र होते हैं। आई थिंक मुझे इतना याद नहीं है, पर मैं जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है 27 ही रहते हैं शायद। पापा को खासी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है पापा को इस बारे में। तो जो बारिश में जो पानी रहता है वो भी कभी कभी फसल को नुकसान करता है वो पानी, क्योंकि शायद 15-15 दिन में चेंज होता रहता है ऊपर जो पानी, बारिश जो होती है उस बारिश का पानी। तो चले चलते पापा से पूछते हैं कि कौन सा नक्षत्र का पानी फसल के लिए अच्छा रहता है, किसानों के लिए अच्छा रहता है। ऐसे जैसे नक्षत्र चेंज होते हैं वैसे वैसे पानी भी चेंज होता रहता है। करी कोई नक्षत्र ऐसे भी रहते हैं तो उसमें जुताई भी नहीं करते, जुताई करते हैं तो बिन जरूरी घास है वो खेत में से मिटता नहीं है। तो पापा से पूछते हैं कि ये जो नक्षत्र का जो पानी है अभी खेतों के लिए फसल के लिए कैसा है कैसा नहीं है, तो पूरी जानकारी पापा से लेते हैं। पापा बताएंगे अब क्या पानी सारू। हाँ हाँ, राबड़ी। तो अभी नक्षत्र राबड़ी हमारे यहाँ कहते हैं वो चल रहा है, तो ये फसल के लिए काफी अच्छा है पानी। तो अभी खेत मतलब गीला है तो उसको बगड़े जुताई नहीं कर सकते, इसमें नमी है तो उसको अगर जुताई करेंगे तो बिगड़ जाएगा फिर। और कितना दाम है नक्षत्र बदला है? 15 दिन। तो 15-15 दिन के अंदर अंदर नक्षत्र चेंज होते हैं, तो उन नक्षत्र के साथ साथ पानी भी चेंज होता है। नक्षत्र आवे अहले, तो अभी दूसरा नक्षत्र आएगा राबड़ियों के बाद में अहले नक्षत्र आएगा, फिर तो कौन सा पानी अच्छा रहेगा? इन्हू पानी अमी डाले, तो जो डाले बाद में जो बारिश होगी उसका पानी फसल के लिए ऐसा रहेगा कि जैसे अभी जो रहता है अभी जो बारिश होती है वो उससे फसल पनपती है, और पनपने के बाद जो दूसरा पानी जो आएगा तो उससे क्या मजबूती बना गिरती है ये इसमें जो अहले उस वाले नक्षत्र में, तो वो ज्यादा फिर पानी नुकसान करता है फसल को। मगा फिर
मघा का पानी काफी अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, वो खराब भी नहीं होता है। बार महीना पानी बकरे नहीं पड़ी, अगर उसको भर के अपन रखेंगे मघा का पानी किसी मतलब किसी भी अंदर स्टोर करके रखेंगे तो बिगड़ेगा नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे पानी में। बार महीने सारू पानी रहे, वो साल भर तक पानी अच्छा रहता है, वो तो वो काफी अच्छा रहता है बारिश का पानी। फिर मघा के बाद में फिर आता है पूर्वा, तो पूर्वा का पानी पापा कह रहे कि काफी खराब होता है, वो अच्छा नहीं रहता। एक मई वर्षा तो आखू पाक सूख ही जाए, गैर जीव पानी। तो ऐसा कहते हैं कि है ना, अगर एक ही एक भी बारिश हो जाती है ना तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है वो, बिल्कुल जहर जैसा होता है वो पानी किसानों के लिए। वो नहीं, वो किसानों के लिए फसल के लिए बहुत ही बेकार रहता है वो पानी, अगर ना ही बरसे तो ही अच्छा है। पर कभी कभी बरसता ही है वो वाला पानी, बरसे बिना रहता नहीं है। मतलब उसके बाद ओतरा नक्षत्र नाम रहता है, नक्षत्र का नाम रहता है ओतरा, तो वो वाला पानी भी थोड़ा अच्छा रहता है फसल के लिए। फिर हस करके आता है नक्षत्र, तो उसका पानी भी अच्छा रहता है धान के लिए। अच्छा। जैसे मघा का पानी रहता है वैसा ये हस का पानी रहता है। चित्रा, चित्रा पानी लागे पड़ जाता है तो मतलब वो पीला पड़ जाता है। चित्रा का जो पानी रहता है वो फसल को पीला कर देता है, तो वो भी इतना कोई अच्छा नहीं रहता है पानी, फसल को बर्बाद कर देता है। इसीलिए नक्षत्र बारे में पर खेती में ऊपर सोच भी है भाई, भाई आप खेती लिए नक्षत्र ना गण। तो यही थे नक्षत्र, जो मतलब अच्छी फसल करने वाले भी थे और बुरी फसल करने वाले भी थे। तो मतलब सबसे पहले अच्छी फसल करने वाली बारिश होती है, बीच में बिगाड़ने वाली बारिश भी होती है, उसके बाद फिर से भी थोड़ी बहुत अच्छी होती है। हस भाई आवाज सूत ना, तो मतलब हस 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 के बाद सूत आता है, मतलब तो किसान के लिए हस हस आता है वही तक बढ़िया है, मतलब वही तक मतलब किसान के लिए वो यूज करते हैं, मतलब भाई उसके बाद फसल नहीं लगाते, मतलब जो सीना पसी की तो हस 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 भाई सूत सूत भी है पसे में ना गणी नक्षत्र। हस के बाद में जो सूत नक्षत्र बैठता है उसके बाद में कोई मतलब बारिश का कोई वो है, उसके बाद सर्दी चालू हो जाती है क्योंकि तो फिर नहीं गिना जाता है वो फसल के लिए बारिश की होती है। ले चुके हम पापा से पूरी जानकारी और आप लोगों ने भी अच्छे से सुना ही होगा, हमें इतना बारिश के बारे में इतना पता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है, इनको तो फिर भी पता होगा पर मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं। अभी मैं आई हूँ उड़द के खेत के अंदर, ये देखिए ये उड़द हमारे छोटे छोटे हैं, अभी कम से कम लगभग इसको 27 दिन हो चुके होंगे, 27 दिन या 25 दिन हो गए होंगे, तो अभी इतने लगे हैं। और अभी इसके अंदर जो बिना काम की जो अभी घास वगैरह लगी हुई उसको उखाड़ना बाकी है, पर ये बारिश के कारण अभी इसके अंदर जा नहीं सकते हैं, जब पूरी बारिश अच्छे से बंद हो जाएगी वो पूरा जो पानी सूख जाएगा उसके बाद में पूरा ये उखाड़ देंगे जितना भी मतलब अंदर जो बिना कारण की जो घास लगी हुई है, क्योंकि अगर बिना कारण की घास को हम हटाते नहीं है तो वो क्योंकि वो भी फिर अपनी जगह पे फिर फैलेगी, तो वो जो उड़द वगैरह लगाए हुए हैं जो फसल लगाई हुई रहती है उनको भी अच्छे से ग्रो नहीं होने देती है वो, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी रहता है। तो हो चुकी है बारिश स्टार्ट, जल्दी चलो। मैंने जुगाड़ किया है, मेरे सिर पे मैंने थैली बांध ली है क्योंकि मैं छतरी लेकर आई थी पर वो मैंने पापा को दे दी क्योंकि पापा भीग जाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने ये थैली पहन ली माथे पर, ये अभी इसको रख रहे हैं और ये पीछे इतना पानी भरा हुआ है देखिए, तो इसका ध्यान रखना है। ये जो चारा लेकर आए हैं क्योंकि इधर से जो ऐसी गायें वगैरह आती रहती है खाने के लिए, हाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है। ये दूसरा भी लेकर आ रहे हैं चारा, दूसरा मतलब बांधा था वो, देख सकते हैं आप बारिश। बस हम घर पर चले जाएं उसके बाद भले भी कितनी भी आनी हो। दो महीने
निकल चुकी इस पानी के अंदर से। उस दिन तो मुझे डर लग रहा था, पर वहाँ एक्टिवा में जगह नहीं थी इसलिए मेरे को पैदल जाना पड़ रहा है। देखिए कितना पानी है एक्टिवा, देखिए भले कितनी बारिश क्यों ना आती रहो, बाढ़ क्यों ना आती रहो, हमारे को ये लाना ही पड़ता है चारा। निकल चुके हैं, अभी मैं जा रही हूँ। पानी देख सकते हैं, मेरे पैर बिल्कुल डूब चुके हैं, काफी पानी है। बस इस पानी के अंदर कुछ ना हो, सांप वगैरह तो अच्छी बात है। ये गाय माता पता नहीं कहाँ इतने पानी में जा रही है। तो फाइनली मैं निकल गई यहाँ से। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं निकल चुकी हूँ। ये देखिए मैंने कितना सारा पार किया था उधर। तो पापा ने मुझे छतरी दे दी थी, बोले कि ना तुम लेकर चले जाओ, मैं किसी और से ले जाऊँगा। पास ही में रहते हैं और भी लोग, तो उनसे छतरी लेकर आएंगे। बोले कि तुम भीग जाओगी इसलिए छतरी लेकर चले जाओ, क्योंकि मुझे पैदल जाना था इसीलिए। अगर एक्टिवा पे जाना होता तो मैं साथ में चली जाती। अगर आपको वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।